पाटी मेवन थाना कोतवाली देहात पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रविवार को पुलिस और बाइक सवार बदमाश के साथ दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश पवन गुजर गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश पवन शार्प शूटर अपराधी है, जो अमन शर्मा हत्या के मामले में जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध है। मृतक कालीचरण प्रधान द्वारा अमन शर्मा के पिता की हत्या की गई थी, इसलिए अमन शर्मा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए शार्प शूटर पवन को भाड़े पर तय कर कालीचरण प्रधान की हत्या कराई गई है और पवन बदमाश हत्या की सुपारी लेने अलीगढ़ जा रहा था। बदमाश पवन को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, जो विगत करीब 3 माह पूर्व 28 दिन की परोल पर आकर जंप कर फायर हो गया था। बदमाश पवन अपने भाई कुख्यात अपराधी गुज्जू गुज्जर गैंग का सदस्य है। पुलिस को मौके से अवैध तमंचामय 21 जिंदा व 2 खोखा कारतूस एवं चोरी की बाइक बरामद हुई है। पवन के विरुद्ध हत्या आदि संगीन अपराधों के आधे से ज्यादा दर्जन मामले दर्ज हैं। सर, थाना कोतवाली देहात में मुठभेड़ हुई है सर अभी। सर क्या है मामला, कैसा अपराधी है सर ये? अभी थोड़ी देर पहले कोतवाली देहात और स्क्वाड की टीम चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोकने की कोशिश की गई, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उस बदमाश को गोली लगी है, जिसका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि ये बहुत ही शातिर अपराधी है, जो राजस्थान का रहने वाला है और इसने कई हत्याएं की हैं। पेरोल जंप करने के बाद ये इसने कल शाम को अलीगढ़ के खैर कस्बे में एक प्रधान की गोली मारकर के हत्या कर दी, और उसी हत्या में जो भी पैसे तय हुए थे, उस पैसे को लेने के लिए ये जा रहा था। और उसी समय बुलंदशहर पुलिस की चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा गया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।